नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में चौथा राउंड पूरा हो गया और यहाँ की मतगणना चौथे राउंड की समाप्त हो गई है और यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है बढ़त बनाए हुए हैं। महमूदाबाद में चौथे राउंड की समाप्ति तक क्या रुझान है और किसे कितने वोट मिले, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता आयुष जैन के पास। तो आयुष बताइए कि समाजवादी पार्टी में इस समय क्या माहौल है, वहाँ महमूदाबाद की क्या स्थिति और भाजपा प्रत्याशी की क्या स्थिति है? जी मैं आपको बताऊं तो महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए मतगणना लगातार चल रही है। चार राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और अभी तक जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं चौथे राउंड तक सपा के मोहम्मद अहमद को 9970 यानी 9970 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह भाजपा के अमरीश गुप्ता को 6969 मत प्राप्त हुए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी अतुल वर्मा को 6462 मत प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें तो पहले राउंड से ही समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से रफ्तार पकड़ी थी समाजवादी पार्टी की साइकिल ने, वो रफ्तार लगातार महमूदाबाद में अभी तक कायम है और चौथे राउंड तक ये रफ्तार 3001 वोटों को क्रॉस कर गई है। 3001 वोटों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मोहम्मद अहमद आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमरीश गुप्ता लगातार अभी तक दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और ये मतगणना जो है वो लगातार चल रही है। जी बिल्कुल आयुष, अभी कितने राउंड मतगणना पूरी होनी है और क्या आसार है, क्या समाजवादी पार्टी की झोली में सीट जाती दिख रही है? आपको बता दें तो अभी जो है महमूदाबाद में कुल 6 राउंड जो है वो प्रशासन ने तय किए थे। 4 राउंड हैं जिसमें बड़ी संख्या में मत जो है वो पूरे हो चुके हैं। 2 कक्षों में मतगणना हो रही थी जिसमें एक कक्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, एक कक्ष में मतगणना चल रही है, 5वें राउंड की मतगणना चल रही है। 5वें और 6ठे राउंड में 3-3 मोहल्ले 3-3 वार्ड केवल बचे हुए हैं। तो हालांकि ये बहुत छोटे छोटे राउंड हैं तो अभी तक जो आसार निकल के सामने आ रहे हैं कि इतनी बड़ी लीड क्रॉस कर पाना फिलहाल किसी प्रत्याशी के लिए संभव दिखता नहीं है। तो अभी तक के आंकड़े जो बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के खाते में महमूदाबाद नगर पालिका परिषद की सीट पूरी तरह से जाने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मोहम्मद अहमद, उनकी साइकिल की रफ्तार पहले राउंड से ही इस तरह पकड़ी कि अभी तक कम नहीं, और चौथे राउंड तक सपा प्रत्याशी मोहम्मद अहमद ने 3001 वोटों की बढ़त बना ली है और चौथे राउंड की समाप्ति तक मोहम्मद अहमद को 9970, भारतीय जनता पार्टी के अमरीश गुप्ता को 6969 तथा अतुल वर्मा जो हैं निर्दलीय प्रत्याशी 6462 मत इन्हें प्राप्त हुए हैं। और अभी 2 राउंड की मतगणना होनी है और जिस हिसाब से रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से या सिर्फ समाजवादी पार्टी में के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए आयुष, और दर्शकों को आगे की जो भी अपडेट होगी 5वें और 6ठे राउंड की वो भी जरूर पहुँचाई जाएगी। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।